Yes. So let us start with resonance in LCR circuit, series resonance. So heading दे दो series resonance. ठीक है. So again we are having L, C and R components together. L, C and R components together connected to the alternating source of EMF. So yesterday we derived an expression for इम्पिडेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ. कौन बताएगा मुझे इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला? यस, इम्पिडेंस का क्या फॉर्मूला था और व्हाट इज इम्पिडेंस, कौन बताएगा? यस स्टूडेंट्स, इम्पिडेंस क्या होती है बच्चे? एनीबडी? इम्पिडेंस जेड. Impedance is the resistance offered to AC E not by I not. By more than one component or by all the LCR components together. ठीक है? So that is called impedance. तो उसका formula क्या था? Under the root R square plus XL minus XC square. See, we can also have impedance triangle. वहां से भी हम ये Z निकाल सकते थे. वो भी नोट कर लो, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है बट इट्स एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इम्पीडेंस ट्राइंगल, अब आपको याद है कि कल हमने वी आर इधर एक्सप्रेस किया था एंड वी एल माइनस बी सी वॉज हियर एंड द रिजल्टेंट ईएमएफ वॉज हियर. इफ यू रिमेम्बर एंड दिस वॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, राइट? दिस वॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ. So if I put their values, मैं सिर्फ ये ट्राइंगल शो करूं अगर, राइट? सो दिस वी आई कैन राइट वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी एल माइनस वी सी इज आई एक्स एल माइनस एक्सी एंड ई क्या है आई जेड, टोटल करंट इन टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज आई जेड. तो अगर मैं I कैंसल आउट कर दूं तो आई एम लेफ्ट विद इम्पीडेंस ट्राइंगल, आई एम लेफ्ट विद ओनली द ट्राइंगल कंटेनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस. इसमें रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है, इम्पीडेंस भी. सो दिस ट्राइंगल कंटेन्स ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्राइंगल. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली गेट दिस फॉर्मूला. पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो आप tan phi, फेज डिफरेंस कल हमने निकाला था ना tan phi, परपेंडिकुलर ओवर बेस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ भी निकाल सकते हो XL माइनस XC ओवर R से. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट फेज डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, राइट? एंड okay, so this is about impedance triangle. Now one very important question from impedance triangle, calculate power factor from impedance triangle. Likhiye question, calculate power factor from impedance triangle. Power factor I told you, kaun batayega power factor kya hota hai? I told you power factor mention kiya tha day before yesterday. Who will tell me what is power factor? पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपेरेंट पावर. आपको याद होगा पावर फैक्टर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वॉज इक्वल टू वन बिकॉज ट्रू पावर वॉज इक्वल टू अपेरेंट पावर. सो पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला नोट कर लो, कॉस फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ. तो पावर का एक ये फॉर्मूला भी है हमारा पावर फैक्टर का, कॉस फाई. So let us find cos phi from this triangle. So हमारा एक और फॉर्मूला आ जाएगा, that is also very important that we use in numerical problems. Cos phi is base over hypotenuse, that is R upon Z. Okay, तो एक और फॉर्मूला नोट कर लो पावर फैक्टर का, cos phi is equal to R over Z. So have a look at the whole concept. हाँ जी बोलो. फाइव फेज डिफरेंस है ना? हाँ, फाइव फेज डिफरेंस है. रेजिस्टिव सर्किट में फाइव जीरो डिग्री था,
तो cos 0 क्या हुआ 1, cos 0 1 हुआ तो true power is equal to apparent power आ गया ना हमारा उसके equal, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ देख लो, have a look at the whole concept, this is very interesting कि इंपीडेंस ट्राइंगल से कैसे हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, चलिए अब आते हैं सीरीज रेजोनेंस पे। प्लस वन में भी रेजोनेंस पढ़ी हुई है वेव चैप्टर में, सो यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट कि व्हेन द फ्रीक्वेंसीज मैच देन एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। सो हियर सीरीज रेजोनेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मतलब क्या है, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द सर्किट। ओके, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द सर्किट, सो लेट अस डिस्कस दैट। सो सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज इट एक्सेप्ट मैक्सिमम करंट एट द रेजोनेंस। ओके, सो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा नॉट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तब क्या होता है कि आपका करंट देखिए क्या है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन, आई इज इक्वल टू ई ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज जेड। सो जेड क्या है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर। नाउ फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम this term in the denominator should be minimum, this term in the denominator should be minimum. Now how it can be minimum, ab ye minimum kaisi hogi, kaise hogi, when this term of differences that is zero, jab ye zero hai tab ye term maximum ho sakti, to xl minus xc that is zero, it is minimum if xl minus xc term is zero, that means reactance becomes equal, that means inductive reactance is equal to capacitive reactance. So this is the first condition of resonance, that reactances become equal. These are all small small basics, please note down. Okay, so what happens at when total current is I, for current to be maximum in series resonant circuit, we know ki resonant frequency pe current maximum ho jata hai. So what is the condition for current to be maximum, this term should be minimum, it will be minimum when this difference is zero. Jab ye difference zero hai to xl xc ke equal hai. Ab xl ka formula kaun batayega mujhe, what is the formula of xl? Yes students, xl inductive reactance ka kya formula hai, omega l. Yes, very good, xl is equal to omega l, and xc ka kya formula hai, 1 by omega c. 1 by omega c. और ये हम बात कर रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, सो वी विल राइट ओमेगा नॉट एल इज 1 बाय ओमेगा नॉट सी, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस इज इक्वल है, नॉट अदरवाइज, वैसे इक्वल नहीं है, ठीक है? सो फ्रॉम हियर वी राइट ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाय एल सी, सी मतलब एल इधर ले आए, ओमेगा नॉट उधर ले, सो यू हैव ओमेगा नॉट इज 1 बाय under root LC. This is the formula for resonant frequency. Okay, this is the formula for resonant frequency. Omega naught is 1 by under root LC. Omega naught is 1 by under the root LC. Is that clear? Fine. Or ye to hogi angular frequency. If we put 2 pi nu naught, then we get resonant frequency also, 1 by 2 pi under root LC. So please learn this formula, this is very very important. Resonant frequency almost har numerical mein poochte hain, if they are mentioning resonance they will be asking resonant frequency by all means. Theek hai, to aapne kya kya note kiya, at resonant frequency current becomes maximum, reactances become equal, and this is the formula for resonant frequency. Let us plot a graph between frequency and current now. So at resonant frequency, current becomes maximum. So it is called acceptor circuit because it accepts maximum current at resonance. It accepts maximum current at resonance. Is that clear?
और देखते हैं क्या क्या होता है. सो लेट अस पुट XL इक्वल टू XC इन द फॉर्मूला ऑफ इंपीडेंस. तो पुट XL इक्वल टू XC हियर बिकॉज दिस वाज द कंडीशन दैट वी अराइव्ड एट. सो Z इज अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाए. सो Z इज इक्वल टू R, नोट इट डाउन. Impedance of the circuit will become minimum equal to resistance only. We are having all the three components in the circuit, but at resonance the circuit will behave as if there was no inductor and no capacitor. ठीक है, सिर्फ ये एक purely resistive circuit की तरह behave करेगा. तो please note it down. At resonance, LCR circuit will behave like purely resistive circuit, as if no other inductor capacitor has been connected. कि सिर्फ resistor ही लगा हो. और Z इज इक्वल टू R मिनिमम हो जाती है उस केस में इंपीडेंस, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया. सो इंपीडेंस विल बी मिनिमम. एक तो ये पॉइंट नोट करिए. नाउ लेट अस कम टू फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, अगेन पुट XL इक्वल टू XC. सो फेज डिफरेंस बिकम्स जीरो. नो डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF एट रेजोनेंस. यस, इट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. Because only in purely resistive circuit, the what happens? The phase difference between current and EMF becomes zero. There is no phase difference between current and EMF in that situation. All right? Is that clear, students? चलिए. One more thing. अब हम power factor check करते हैं. Cos phi. We derive one more formula for power factor R over Z. And since Z is equal to R, Z is equal to R at resonance, so power factor becomes one unity. Please note it down. So, jitne bhi maine points box mein rakhe hain, ye sab resonance ke basics hain. So, sum up all these points. Ki resonance pe kya hota hai? Current maximum ho jata hai, impedance minimum ho jati hai, aur R ke equal ho jati hai. Ye yaad rakhiye, numericals mein use hoga. पावर फैक्टर वन हो जाता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ जीरो डिग्री हो जाता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है और रिएक्टेंसेस बिकम इक्वल. सो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दिस पॉइंट्स. ऑलराइट, देखिए एक बार ही ध्यान से, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके फाइन, क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? रेजोनेंस इज क्लियर? यस शिवम. हाँ जी बोलो. ठीक है मैम, हो गया. अच्छा क्लियर है, ठीक है. ओके, सो आफ्टर रेजोनेंस लेट अस कम टू क्वालिटी फैक्टर. व्हाट इज क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर इज क्वालिटी फैक्टर. इट गिव्स अस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस कितनी शार्प है उस वो बताता है हमें. रेजोनेंस की क्वालिटी बताता है कि कितनी फ्लैट है या कितनी शार्प है रेजोनेंस. ओके, तो लिख लीजिए, क्वालिटी फैक्टर इज अ पैरामीटर दैट इंडिकेट्स sharpness of resonance. It's a parameter that indicates sharpness of resonance. It's a parameter that indicates sharpness of resonance. ठीक है, basically इसका formula होता है VL over VR और VC over VR at resonance. At resonance, ठीक है. तो VL को हम क्या लिखेंगे? IXL एंड VR इज IR. साइड बाय साइड चलते हैं, IXC IR. XL को क्या लिखेंगे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? ओमेगा नॉट L. एंड XC को एट रेजोनेंस लिखोगे 1 बाय ओमेगा नॉट C. तो ये सब, ये दोनों Q फैक्टर के फॉर्मूले हैं. अब इसमें हम ओमेगा नॉट पुट कर देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Our formula is 1 by under root LC.
वन बाय अंडर रूट एल सी एल बाय आर और वन बाय अंडर रूट एल सी, ओमेगा नॉट नीचे है ना तो अंडर रूट एल सी ऊपर चला जाएगा ओवर सी आर. सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमने डिराइव किया था वन बाय अंडर रूट एल सी. नाउ लेट अस राइट एल एज अंडर रूट एल ओवर अंडर रूट एल सी इन टू आर. अंडर रूट एल कैंसल हो जाएगा, आपका आ जाएगा वन बाय आर अंडर रूट एल बाय सी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू फैक्टर, एक साइड से आ गया. नाउ लेट अस सॉल्व द अदर साइड और अंडर रूट एल सी एंड अगेन वी राइट सी एज अंडर रूट सी. अब एक अंडर रूट सी कट गया और आपके पास अगेन वन बाय आर अंडर रूट एल बाय सी आ, वन बाय आर अंडर रूट एल बाय सी. सो फ्रॉम बोथ द साइड्स हम पैरेलल चले बट वी अराइव्ड एट द सेम फॉर्मूला. सो प्लीज लर्न द फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर. न्यूमेरिकल में नॉर्मली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्यू फैक्टर दोनों ही फाइंड करने को कहते हैं, ठीक है? तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. व्हेन ऑल द थ्री एल सी एंड आर कंपोनेंट्स आर गिवन टू यू, यू कैन फाइंड क्वालिटी फैक्टर वेरी इजी. हैव अ लुक एट दिस. सो रेजोनेंस इज क्लियर स्टूडेंट्स? पैरेलल रेजोनेंस सिलेबस में नहीं लिखी हुई है तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सीरीज रेजोनेंस स्पेशली वहां पे मेंशनड है तो वो हमने कर लिया. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस इज एलसी ऑसिलेटर, टैंक सर्किट, ट्यून्ड सर्किट. एलसी ऑसिलेटर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. एलसी ऑसिलेटर ऑल्सो कॉल्ड टैंक सर्किट और ट्यून्ड सर्किट. And this is an electrical circuit. ठीक है, ये एक electrical circuit है, LC oscillator, where L and C are connected in parallel, and energy oscillates between inductor and capacitor. Energy oscillates between inductor and capacitor. So it's a combination of inductor and capacitor connected in parallel, like in radio tuning, radio set होता है ना जो हमारा, उसमें हमारे ट्यून सर्किट जो कनेक्टेड होता है उसके अंदर. सो व्हेन वी मूव द नॉब देन वी चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. जब हम रेडियो सेट की नॉब मूव करते हैं तो एक्चुअली हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं. सो बाय मूविंग द नॉब बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस व्हाट हैपेंस यू विल सी आफ्टर वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एलसी ऑसिलेटर. तो अब तीन चार इंस्टेंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं. टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी बाय फोर, क्या होता है इसमें, हाउ इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस. लेट अस सी हाउ इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस. ठीक है, सबसे पहले लेट अस इमेजिन दैट टू स्टार्ट विद द कैपेसिटर इज फुली चार्ज. सपोज कर लो कि टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे कैपेसिटर फुली चार्ज है, Q maximum है, charge maximum है. तो how much energy is stored by the capacitor? That is electrostatic energy half Q square by. So whole of the energy at the first instant that is electrostatic and it is with the capacitor. Inductor is not having any energy right now. Now after the capacitor starts discharging through the inductor, it starts sending current through the circuit. तो जैसे ही अब current change होगा inductor में, इसके अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो जब करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो एट टी इक्वल टू टी बाय फोर इंस्टेंट होल ऑफ द एनर्जी विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे सारी एनर्जी धीरे धीरे करंट फ्लो की वजह से किसमें स्टोर होती जा रही है, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज होता जा रहा है, इज लूजिंग इट्स एनर्जी. सो दैट इज नाउ विद द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी आफ्टर द नेक्स्ट इंस्टेंट. अब उसके बाद क्या होता है, टी इज इक्वल टू थ्री टी बाय फोर पे, टी टू टी बाय फोर के बाद आपका आ गया हाँ थ्री टी बाय फोर. नाउ व्हाट हैपेंस, अब तक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका था, अब तक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया था
तो इट विल स्टार्ट चार्जिंग अगेन बट नाउ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब फिर से ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा उस मोमेंट पे, फिर से मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो 3T/4 इंस्टेंट पे अगेन कैपेसिटर विल बिकम फुली चार्ज. बट पहले सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में चार्ज था, अब उसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, इट विल बी चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो अगेन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टोर सम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. It will store electrostatic energy half q square by c again at this instant of time. Ab next instant pe fir kya hoga? Now the current will be again flowing in the opposite direction. Again capacitor will start discharging. Now it will start sending current in the opposite direction. To pehle current idhar se idhar ja raha tha, ab idhar se idhar ja raha hai. Theek hai? To again magnetic flux linked with the coil will change and used EMF will be produced, but now in the opposite direction. So at t equal to T/2 instant, okay? 1T/4 ये T/4 हो गया, 2T/4 ये T/2 था, अब आया आपका 3T/4. हम एक पूरे टाइम पीरियड के ओवर जा रहे हैं. तो अब इस इंस्टेंट पे फिर से सारी एनर्जी इंडक्टर के पास है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. और लास्ट इंस्टेंट पे क्या होगा, व्हेन द टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड, वन टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड और टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे अब फिर से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो चुका होगा. इट विल अगेन स्टार्ट चार्जिंग इन द प्रीवियस डायरेक्शन, इन द ओरिजिनल डायरेक्शन. एंड अगेन आफ्टर टी इक्वल टू टी, आफ्टर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, द एनर्जी विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट विल बी अवेलेबल विद द कैपेसिटर. सो दिस वे यू कैन सी over a complete time period, energy oscillates between inductor and capacitor in the form of electric energy and magnetic energy. So LC oscillator जो energy, जो oscillations produce कर रहा है, वो actually किस चीज की है? Energy is oscillating from one point to another one. So in words, when we have explained the oscillation, this is qualitative treatment. This is qualitative treatment. इन वर्ड्स हमने इसको एक्सप्लेन किया, वैसे सिलेबस में यही लिखा हुआ है, बट हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर द वर्किंग इज क्लियर टू यू. ये सारा आपको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो स्टूडेंट्स. यस यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट टू एनीवन? हां जी, किसी को डाउट? कैसे एलसी ऑसिलेटर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है? इज दैट क्लियर? बच्चे बोलो अगर कोई डाउट है तो. डाउट बोलोगे तो क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा. नो डाउट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी का क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट करते हैं. So since they are connected in parallel, the potential difference is same across inductor and capacitor. Inductor ke across kya hota hai? Minus LdIdt. Aur capacitor ke across kya hota hai? V is equal to Q/C. We get LdIdt plus Q/C equal to zero. Ye ho gaya? Dekh lo. Any doubts in this step? Now we know that I is equal to dQ/dt. Current is rate of flow of charges. So put I is equal to dQ/dt here. d/dt of dQ/dt plus Q/C equal to zero. So ये double derivative हो गया. d²Q/dt². This is called double derivative. This is called double derivative. So d²Q/dt² plus Q/LC equal to zero. ठीक है? तो ये आपकी एक differential equation बन गई. Compared to the standard differential equation, which is of the form d²X/dt² plus ω²X is zero. तो यहाँ पे जो आपका variable है x, उसके place में q है आपके पास, और कंपेयर द सेकेंड टर्म, ये एक्स तो क्यू के प्लेस में, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर किसके प्लेस में? 1/LC. ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC.
So comparing to the standard differential equation, we get omega square is equal to 1 by LC. Omega is 1 by under root LC. Or what is the formula for natural frequency of oscillations of LC oscillator? This is the frequency of oscillations of LC oscillator. और ये बिल्कुल वही आ रही है जो फॉर्मूला हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आया था, वही आ रहा है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ एलसी ऑसिलेटर, ठीक है. तो इतनी फ्रीक्वेंसी मैम सिंपल हार्मोनिक मोशन यस की इक्वेशन बन गई. मैम एसएचएम की इक्वेशन बनाई ना आपने कंपेयर करने के लिए, क्या जो आपने कंपेयर किया वो एसएचएम वाली इक्वेशन लिखी है आपने? नहीं नहीं, ये SHM की नहीं, ये differential equation की होती है, differential equation होती है, double derivative involved होता है, आपने पढ़ा नहीं हुआ ये, ठीक है. तो ये एक standard है, जैसे आपको parabola की equation बताई दी थी ना, तो वैसे ही ये एक differential equation है, standard form है ये उसका. So I was coming back to radio tuning. तो radio tuning में क्या होता है, when we move the knob of capacitor, the capacitance changes. Capacitance change होने से frequency of oscillation of this tuned circuit inside it changes. And when it matches with the frequency of any station, that station gets selected, resonance takes place, and amplitude of sound becomes maximum. तो वो station select हो जाता है और हमें आवाज सुनने लग जाती है. तो knob move करके हम इसके अंदर जो tank circuit है radio के अंदर, उसकी frequency को change कर देते हैं. And when the frequency matches with the frequency of a particular station, it gets selected. So this is the concept behind radio tuning. ठीक है, note कर लो. Concept behind radio tuning. Clear? LC oscillator clear है student? देख लो एक बारी पूरा, एक बारी ध्यान से देख लीजिए. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है भाई, क्लियर. चलिए नेक्स्ट आफ्टर दिस आर टू टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट आर लेफ्ट. एक है एसी जनरेटर और दूसरा ट्रांसफॉर्मर. बस दो टॉपिक्स रह गए हैं, देन दिस यूनिट विल बी ओवर एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. सो दिस इज द सिलेबस फॉर योर फॉर दिस टर्म, बट वी विल बी डूइंग ईएम वेव्स आल्सो इफ वी विल हैव टाइम. सो अ रिमाइंडर दैट टुडे यू आर हैविंग योर टेस्ट, ठीक है. आज आपका टेस्ट है, तो वी विल बी शेयरिंग एट 5 o'clock. इट विल कंटेन ओनली 10 MCQs. So hardly it will take 15 minutes for you to attempt. All of you will attempt.